नमस्कार। एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जितने सारे न्यूज़ मीडिया के बंधु हैं सभी कहीं ना कहीं, और जितने सोशल वर्कर हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं, सारे लोग उस वीडियो कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हैं। जानते हो कौन सा वीडियो है? आपके सामने वो वीडियो मिल रहा है। देखिए, यही वो वीडियो है। इस वीडियो में किस प्रकार से बीजेपी जो कहती है कि अनुशासन की पार्टी, अनुशासन मतलब जानते हैं क्या होता है? ये बीजेपी वाला बताएगा कि अनुशासन मतलब क्या होता है। और उस अनुशासन की पार्टी में ये मतलब दूर का घटना नहीं है, ये बिहार का घटना है। उस अनुशासन की पार्टी में किस तरह से, यानी कि विजय सिन्हा जो कि विपक्षी दल के विधानसभा के लीडर हैं और पूर्व में ये कहीं ना कहीं स्पीकर भी रह चुके हैं जब इनकी गठबंधन की सरकार थी, उनके समक्ष यानी पीसी करने के लिए मीडिया कर्मियों के समक्ष ये जाते हैं, तो किस तरह से इनके दो विधायक आपस में लड़ जाते हैं। कह लिए जानते हैं, कैमरा जीवी लोग हैं। कैमरा में मतलब फोटो आने के लिए कि न्यूज चैनल पे, यूट्यूब पे, हर जगह हमारी तस्वीर आ जाए कि हम विजय सिन्हा के बगल में खड़े थे, हम बीजेपी के लीडर हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं आपस में लड़ झगड़ जाते हैं। और वीडियो में साफ दिख रहा है, जानते हैं, एक है विधायक जी कैसे केहुनिया रहे हैं, दूसरे केहुनी से मार रहे, तो गर्म हो गया विधायक कि भाई केहुनी से हमको मार रहे, हम विधायक हैं, हमको भी जनता दे फूट दे के विजयी बनाई है, हम बीजेपी के विधायक, हम कोई केहुनिया रहे हैं। भाई बुरा लगा उसको, बुरा लगा तो लड़ गया। अब लड़ गया तो बीच बचाव के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी सिन्हा को आना पड़ा। अब बगले में उठे देख रहे हैं, कह रहे यहाँ तो लफड़ा हो रहा है, मीडिया वाला सब सामने है, तो ये अनुशासन की बात थी। तो कहीं ना कहीं बीच बचाव किया, जब बीच बचाव किया ना तो फिर इनको, यानी दूसरा जो विधायक के हुनिया रहे थे, उनको अलग हटाए, अपना दूसरे तरफ लेके आए। अब देखिए, यानी कि कहीं ना कहीं कैमरा में आने के लिए, चैनल पे आने के लिए, दिखने के लिए लड़ाई झगड़ा, ये नया बात नहीं है बीजेपी के लिए, ये पुराना बात है। एगो पुराना आपको याद दिलाए तो पता है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश की बात है, जोगी जी मंच पे थे, जोगी बाबा, और उनके दो मंत्री, विधायक नहीं तो मंत्री, कहेंगे वहां सरकार है, दोनों मंत्री आपसे में लड़ गए सीट पे बैठने के लिए। अब बताइए, सीट पे मतलब मुख्यमंत्री के बगल में बैठने के लिए दोनों मंत्री लड़ गया। वो बोल रहे हैं कि ना हम बैठेंगे, वो बोल रहे हैं कि ना हम बैठेंगे। ऐसे थोड़ा होता है। आप देखिए कि अनुशासन की पार्टी है, आई अनुशासन की पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर एक सवाल उठा रही है। जानते हैं का कि सोनिया गांधी के ऊपर छतरी लगा था, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर छतरी नहीं लगा था। आप देखिए, अरे भैया वो बीमार महिला है, उनकी तबीयत सही नहीं है, है? तो ये कौन सा सवाल हुआ? ये कहाँ का सही सवाल है? और सही मतलब दिख रहा है कि कैमरा में फोटो आने के लिए, वीडियो में आने के लिए मार झगड़ा, हाथ हा केहू ना केहू नी, और मुख्यमंत्री के समक्ष सामने पास में बगल में बैठने के लिए कहीं ना कहीं दुगो मंत्री लड़ जा रहा है, बिहार में दुगो विधायक के लड़ जा रहा है। ये कहाँ से उचित है? अब बताइए, ये उचित है? दुगो विधायक लो आपसे में बेचारा उलझ गया, अब विजय सिन्हा उहे थे, विजय सिन्हा बच बचाव का करते तब तक केहू ने कर लेते। आज पहले से मतलब वहां से चले ना तो एकदम धकियाते हुए विजय सिन्हा के बगले में दोनों आ रहे हैं। आप देखिए, दोनों एकदम धकिया के आ रहे हैं, कह लिए कि हम विजय सिन्हा के बगल में खड़ा हो जाए तो हम बगल में खड़ा हो जाए। और बेचारा पगड़ी उगड़ी बांधा एकदम भगवा रंग का, जो बीजेपी कहता है कि हम भगवा की पार्टी, एकदम भगवा रंग का बांधा है, तो उसको विजय सिन्हा नहीं बोलते हैं क्या? एक भगवा वाला था। आई जो धोती वाले थे विधायक जी, इनको कहीं ना कहीं कगरिया दिया, कगरिया के दूसरे साइड लेके चले आए। अब सोचिए कि बीच बचाव नहीं होता तो इन्हों मरोमारी कर लेता, इसमें कोनो दुराय नहीं था, मरोमारी कर लेता ना दोनों विधायक आपसे में। वहां तो आप बताइए, जो आदमी स्पीकर रह चुका है, जो कहीं ना कहीं 247 विधायकों का नेतृत्व किया है विधानसभा में, उसके समक्ष सिर्फ दो विधायक, उसके बस की बात नहीं है, है? बताइए, ऐसा आदमी कहीं ना कहीं बिहार को प्रेजेंट कर रहा है, विपक्षी दल के नेता है, हैं, विजय सिन्हा के सामने इस तरह से बीजेपी के विधायकों का व्यवहार कहाँ से उचित है, शोभनीय है आपको लग रहा है? आई आदमी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर सवाल सवाल खड़ा कर रहा है।
कि कांग्रेस ऐसा है तो अनुशासन नहीं है तो ये है। आज जबकि बीजेपी कहता है कि हम अनुशासन की पार्टी है। थोड़ा सा और आपको बताएं तो जोगी जी अखिलेश यादव को बाप को, तुम्हारा बाप को देखो, अरे ये कौन सा लफ्जा हुआ यार। वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी का, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है आदमी, जिनको आप बता रहे हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, ये कौन सा लफ्ज है। और आप वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उस प्रदेश के और आप इस तरह से बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो मतलब व्यवहार, जो कृतियां है, वो सोशल मीडिया के जमाने में सब कुछ सामने आ रही है किस प्रकार का व्यवहार है। एक तरफ एक और वीडियो हो रहा है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी दोनों आदमी जा रहे हैं, बीच में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनको कैसे हाथ से एकदम हटा दे रहे हैं अमित शाह। अब दोनों आदमी नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों जाके स्टेज पर अब कार्यक्रम में एकदम हाथ टाटा बाय 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 कर रहे हैं और नड्डा को एकदम कगरिया दिए। इत है सम्मान, ई है व्यवहार, ई है अनुशासन बीजेपी का, कि कहीं विधायक लड़ रहा है, कहीं मंत्री लड़ रहा है, कहीं मुख्यमंत्री के बोलने का तमीजे नहीं है। ये तो है बीजेपी के व्यवहार, बीजेपी की पार्टी, बीजेपी की अनुशासन, बीजेपी की कृतियां, बीजेपी की कहीं ना कहीं सद्भाव, जो आप कहें। तो इस प्रकार की स्थिति है, और इस प्रकार की स्थिति में कहीं ना कहीं आज के समय में सोशल मीडिया के जमाने में सब चीज आ जाता है। अब बताइए फोटो खिंचवाने के लिए कैमरा जीवी लोग, कांग्रेस कह रहा है कि कैमरा जीवी लोग है, कैमरा में आने के लिए मरोमारी कर लेता है, कैमरा में आने के लिए कुछ कर लेगा, बस सिर्फ कैमरा में रहना चाहिए, टीवी चैनल पर रहना चाहिए, दिखना चाहिए, तभी हम नेताजी लोगों के शरण में रहेंगे और हमको देखते रहेंगे तो हमारा प्रमोशन करते रहेंगे। इसीलिए ना दोनों विधायक लड़ गया जी, है एकदम सामने फ्रंट पर आएंगे मीडिया वालों के, ताकि मीडिया वालों को नजर में उनके कैमरे में हमारी तस्वीर कैद हो जाए। अरे साहब लड़ो मत, कैमरा में आने के लिए लड़ने की क्या जरूरत है, टीवी चैनल आपका है, बड़ा बड़ा मीडिया आपका है, उद्योगपति आपके हैं, जितना बोलोगे उतना कर देगा आपको कैप्चर, खींच लेगा, लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है। तो इस तरह की स्थिति वर्तमान में अनुशासन की पार्टी में है। आ देखिए हमको लगा कि नहीं इस चीज कहीं ना कहीं आप सभी के समक्ष रखना चाहिए। अब इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके आप भी बताइए, और जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद।